हेलो दोस्तों, पीसी सारथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं अभिनव राज आपके लिए 67th बीपीएससी मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन लेकर आता हूं। रेगुलर बेसिस पर हम नए नए टॉपिक्स को देख रहे हैं जिनका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से। और यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ट्रेंड है या जो रिपीटेशन होता है या करेंट अफेयर के वो टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं, हमारा यही यहाँ अप्रोच होता है कि उनके सारे पहलुओं पर डिस्कशन किया जा सके ताकि आपके पास एनफ फॉर्डर पॉइंट हो। इनकेस डायरेक्ट सवाल ना भी पूछे जा रहे हो तो आपके पास इतने पॉइंट्स हो कि आप उन सब का यूज करके एक बेहतर आंसर तैयार कर सकते हैं। वैसे जो पिछले दो बार से मैं गेस वर्क करता हूं स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं और आप लोगों के जो रिस्पांस होते हैं, जिस तरीके से आपने कमेंट सेक्शन में बताया कि उससे आप लाभान्वित हुए हैं, तो इसमें और डेडिकेटेड होकर इस बार हम ये काम कर रहे हैं। बीपीएससी के जो जीएस पेपर 2 में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, और उसमें फिर कास्ट का क्या रोल है, किस तरीके से रीजनल पार्टीज का इमर्जेंस हुआ और रीजनल पार्टीज के इमर्जेंस में कास्ट कितना बड़ा रोल प्ले किया है, ये सब कुछ हम वहां चर्चा करते हैं, उस पर सेपरेटली हम बात करेंगे। लेकिन कास्ट से ही प्रेरित एक और टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा कुछ एक दो वर्षों से न्यूज में रहा है और उस पर भी एक सवाल बन सकता है, वो है कास्ट बेस्ड सेंसस। क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए मनाही कर दिया गया था, बहुत सारी रीजनल पार्टीज ने इसकी डिमांड रखी थी कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, यानी कि जाति के आधार पर जनगणना होना चाहिए। इसके अपने फायदे हैं और घाटे भी हैं, और फिर एक बेहतर ढंग से कंक्लूजन होना चाहिए कि कितना फायदेमंद है, कितने घाटे का सौदा है। सेंसस जो है जनगणना, नाम से ही पता चलता है कि लोगों की यहाँ काउंटिंग की जाती है, गणना की जाती है। इसी टॉपिक पर आज हम विस्तृत तौर पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर सिंपली आपको सर्च करना है abhinav_sir_bpsc। यहाँ इसको सर्च करते आप मेरे साथ एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, और अगर आप 67th बीपीएससी से रिगार्डिंग कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो आप वहां उसको पोस्ट कर सकते हैं, मैं उन कॉपीज को इवेल्युएट करता हूं, और इसके बाद कुछ कुछ कॉपीज का हम यही पीसी सारथी यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन भी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके मन में एग्जाम के प्रति कोई भी दुविधा है, कोई संशय है, तो बेहिचक आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मेरा ये प्रयास होता है कि जितना जल्दी मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, तो जैसी मेरी जॉब है और जिस तरीके से मुझे वक्त मिलता है, मैं प्रयासरत होता हूं कि आपसे मैं इंटरेक्ट करता रहूं। तो आज का टॉपिक हो गया जाति आधारित जनगणना, कास्ट बेस्ड सेंसस। पहले थोड़ा सेंसस पर चर्चा कर लें, जनगणना पर। तो ऐसा नहीं है कि सेंसस जो है ये मॉडर्न इंडिया का कंसेप्ट है। इवन ऋग वेदा में भी हेड काउंट करने की बात की गई है, और आचार्य चाणक्य या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ये बात मेंशन की गई है कि राजा को एक कुशल जो राजा है उसे समय समय पर सेंसस कराते रहना चाहिए ताकि सही ढंग से टैक्सेशन हो सके। या फिर अगर मुगल किंग अकबर की बात करें और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है अकबर के समय की, NA अकबरी, उसमें भी कंप्रिहेंसिव डेटा दिया गया है पॉपुलेशन का, इंडस्ट्री का, वेल्थ का, और भी बहुत सारे बातों पर वहां चर्चा किया गया है, जिससे पता चल रहा है कि उस समय भी कहीं ना कहीं सेंसस होता था और उस डेटा का यूटिलाइजेशन उस समय की सरकारों के द्वारा किया जाता था। वैसे तो अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें, जब अंग्रेज यहां पर थे ब्रिटिश इंडिया में, तो 1872 में पहला सेंसस कराया गया था, लेकिन वो पूर्ण रूप से कहें कि मतलब कि ये कहा जा सकता है कि सिंक्रेनस नहीं था, और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो था या थे।
लेकिन अगर हम कहें कि फर्स्ट कंप्लीट सिंक्रेनस जो सेंसस हुआ वो कंडक्ट हुआ 1881 में, क्या आप बता सकते हैं कि वर्ष 1881 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ओके, तो जो सेंसस की प्रक्रिया है और जब से हमारे देश में हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि 130 वर्ष से कहीं ज्यादा हो चुके हैं, और अभी जो ये लेटेस्ट सेंसस है वो 2021 वाला है, तो 2021, क्योंकि जो लास्ट था 2011 में हुआ था, फिर 10-10 वर्ष के अंतराल पर होता है, तो ये 2021 वाला जो सेंसस है इसको कहेंगे कि ये 16वां यानी कि 16th सेंसस है भारत का, और आजादी के बाद के भारत का 8वां यानी कि 8th सेंसस है। अब ये सेंसस जो है कंडक्ट क्यों किया जाता है, कैसे कराया जाता है, थोड़ा इसका भी समझ होना जरूरी है। सबसे पहले तो इससे हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मिलता है। अब यहाँ पर हमें बहुत तरीके का डेटा मिलता है जिसका हम यूटिलाइजेशन कई तरीके के गवर्नमेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ के रिगार्डिंग सर्वे, एजुकेशन के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, किस सेक्टर में कितने लोग कहीं पर कार्यरत हैं, हमारी लिटरेसी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, सब कुछ पता चल जाता है एक बार अगर सही ढंग से सेंसस करा दिया जाए। इसी तरीके से इसका फायदा मिलता है डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग कहने का आशय है कि अगर हमें किसी भी तरीके की नीति निर्धारित करनी है तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इससे पता चलता है कि भारत के किस क्षेत्र में, मान लेते हैं कि कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कोई स्कीम लानी है, तो क्या वो पंजाब के क्षेत्र के लिए हम लागू करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि वहां शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन नहीं है, और इस बात का पता हमें चलता है सेंसस से। यानी डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्धारित करने में बहुत ज्यादा ये मददगार साबित होता है, और ये फायदा सबसे है कि ग्रास रूट लेवल से हमारे पास डेटा आता है, और एक इसका फायदा मिलता है डिमार्केशन में। डिमार्केशन का क्या मतलब है कि जब कंस्टिट्यूएंसीज का बंटवारा होता है तो आबादी के आधार पर होता है। वैसे तो ये लॉक कर दिया गया था वर्ष 2026 तक के लिए, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम सही ढंग से सेंसस करेंगे तभी तो लोकसभा विधानसभा के जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनका बाउंड्री ड्रॉ किया जा सकता है। और एक बहुत बड़ा रोल है इस सेंसस का, वो है अनुदान के लिए, ग्रांट्स के लिए। ग्रांट्स यानी कि जो केंद्र सरकार से पैसा राज्यों को दिया जाता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पर, जिसकी बात हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में की गई है, तो वहां पर पॉपुलेशन भी एक फैक्टर रहता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, फॉरेस्ट एरिया क्या है, बहुत कुछ है वहां पे, लेकिन उसमें एक फैक्टर पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन का अगर सही ढंग से सेंसस हो तभी तो सही ढंग से पैसों का बंटवारा किया जा सकता है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, तो 2021 का जो ये सेंसस हो रहा है ये पहली बार पेपरलेस सेंसस हुआ रहा है, मोबाइल ऐप के थ्रू किया जा रहा है, और यहाँ पर सेंसस कराना कोई आसान काम नहीं होता है, इसमें बहुत अधिक पैसे की खर्ची भी होती है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। अब एक दो चीज और जान लेना चाहिए कि जो सेंसस है वो किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। अब यहां पर देख सकते हैं हम, या समझ सकते हैं कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस है यानी जाति के आधार पर जो जनगणना की बात हम कर रहे हैं, इसमें बिहार के चीफ मिनिस्टर के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया कि स्टेट लेवल कास्ट बेस्ड सेंसस यहाँ शुरू होगा। अब आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के डिसीजन के काउंटर में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके की डिसीजन ली जा रही है, और आप खुद जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसी प्रांत का है, बिहार का है, तो बहुत ऑब्वियस है कि इससे सवाल पूछ लिए जाए। ऐसा नहीं है कि कास्ट के आधार पर सेंसस की बात पहले नहीं हुई है, पहले भी हुई है, और एक सेंसस में ही हिस्सा है जिसको कहते हैं SECC। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, ये हुआ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और ये 2011 वर्ष में जो सेंसस हुआ था उसमें ये सेंसस आया था, कंडक्ट किया गया था जब,
और ये सारे स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज के लिए था। और हम देखते हैं कि जो ACCC 2011 हुआ था वो पेपरलेस मोड में था कहीं ना कहीं, और पूरे भारत में किया गया था, लेकिन वो बिल्कुल अलग है कास्ट बेस्ड सेंसस से। ठीक है, जो पहला कास्ट बेस्ड सेंसस है वो हमें कब देखने को मिलता है, तो 1931 में, यानी आजादी के पहले के भारत में कहीं ना कहीं इस तरीके का एक मैकेनिज्म अपनाया गया था। और इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, या फिर एक कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, उन क्षेत्रों के लिए। अब देखिए, कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में कुछ बातें हैं जो अगर कोई कराना चाह रहा है तो उसके कुछ जरूर फायदे होंगे, उनको समझना होगा। तो देखिए, अभी क्या है कि बहुत सारी पार्टीज के द्वारा डिमांड रखी गई अलग अलग प्रांतों से, इस बात को आप बता सकते हैं, और बहुत सारे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हो सकते हैं इसके पीछे। EWS रिजर्वेशन, या फिर इंपावर करना स्टेट्स को टू आइडेंटिफाई ओबीसी कैटेगरी इन द स्टेट, या फिर जो मद्रास हाई कोर्ट ने बात की थी, होल्डिंग द कास्ट सेंसस नेसेसरी इन कंटेक्स्ट ऑफ अ जजमेंट। तो इस वजह से ये काफी न्यूज में रहा। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 340 है, यहां पर बात की गई है, कंडक्ट ऑफ अ कास्ट बेस्ड सेंसस एंड प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिश्नर टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थ्रू आर्टिकल 340। अब देखिए, कहने का मतलब है कि जाति आधारित जनगणना आयोजित करने का समर्थन करता है भारतीय के संविधान का अनुच्छेद 340, और इसी के माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं में सुधार हेतु आयोग की नियुक्ति का प्रावधान भी वहां बताया गया है। और जो ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया कि ये कंडक्ट करेंगे कास्ट बेस्ड सेंसस, तो इस वजह से भी ये न्यूज में रहा। तो थोड़ी बहुत इसकी कहानी आप समझ गए होंगे। बहुत तरीके का यूज है ये आप बता देंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में, एकेडमिक्स में, या फिर इंडियन पॉपुलेशन को ट्रैक करने में, रिसोर्सेज को ट्रैक करने में, मैप, सोशल चेंज और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, हर जगह इसका यूज होता है। और सेंसस की अगर आप आंसर वगैरह की शुरुआत करें तो ऐसे स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं कि द सेंसस इज अ लार्ज, इमेंसली पावरफुल बट ब्लंट इंस्ट्रूमेंट अनसुटेड फॉर स्पेसिफिक इंक्वायरी। यानी इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये किसी भी चीज का एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन बहुत चीज का ओवरव्यू दे देता है। क्रिटिसाइज भी किया जाता है काफी खर्चीला होने के वजह से। जो ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की हम बात कर रहे थे, जो 2011 में हुआ था, ठीक है, तो इसकी शुरुआत 1931 से हम देखते हैं, और इसका मतलब है कैनवास एवरी इंडियन फैमिली बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया, या कह सकते हैं। और यहाँ पर उनके इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पूछा जाता है, ताकि सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी जो है वो आके जो डिप्राइवेशन है, जो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग वंचित हैं, या फिर अलग अलग तरीके का परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो यूज करके डिफाइन किया जा सके कि किस व्यक्ति को गरीब कहा जाएगा और कितना हद तक गरीबी को हम कंसीडर करते हैं। और लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाती है, ताकि अलाउ कर सके गवर्नमेंट को कि वो री एवेल्युएट कर सके कास्ट ग्रुप्स को जो कि इकोनॉमिकली वर्स कंडीशंस में है। और इस ACCC के पास ऐसी पोटेंशियल है कि वो मैप कर सकता है इनइक्वालिटीज को एक विस्तृत स्तर पर, ब्रॉडर लेवल पर। इस वजह से इसका यूटिलाइजेशन होता रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, सेंसस और ACCC में थोड़ा अंतर समझ लीजिए। जो सेंसस है वो पोर्ट्रेट देता है, एक तरीके से कह लें कि चित्र प्रदान करता है पूरे के पूरे भारत की आबादी के, जबकि ACCC जो है वो एक टूल है, एक कह सकते हैं कि उपकरण है जो आइडेंटिफाई करता है बेनिफिशरीज को ऑफ स्टेट सपोर्ट, ठीक है, कि कौन लोग लाभुक हो सकते हैं। ठीक, ये भी बात समझ गए। जो सेंसस है वो सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत देखा जाना चाहिए, और यहां पर आप बेसिक जो डिफरेंस है इनमें समझ गए, जिसको आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। अब यहां पर जो बातें की जाती हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस क्यों होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या है कि इसके जो नुकसान है वही समझ लेते हैं कि लोग इसका विरोध क्यों करते हैं या सरकारें क्यों नहीं चाहती हैं। तो जो डेटा है यहां पर हम कहते हैं कि एक्यूरेसी की कमी देखने को मिलती है, और
इसमें एक ये भी बात की जाती है कि जब इतना हम समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं और बात करते हैं कि हमें जाति पाति से आगे बढ़ के चीजों को देखना है, लेकिन ये जाति पाति में ही वापिस से अगर लोगों को ढकेला जाए तो ये किस हद तक सही होगा। इस वजह से इसका क्रिटिसिज्म होता है और हम देखते हैं कि कास्ट जो है वो इमोटिव एलिमेंट है एंड दस देयर एग्जिस्ट द पोलिटिकल एंड सोशल रिपरकशंस ऑफ अ कास्ट सेंसस। अब इसका गलत फायदा कुछ पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज उठा सकते हैं जो समझ जाएंगे कि अच्छा इस क्षेत्र में इस जाति विशेष के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं भी उसी जाति से आता हूं तो उन लोगों को इस नाम पर इमोशनल करके उनसे वोट खींच लूंगा। और यहाँ पर ये भी मतलब कि कास्ट वगैरह की काउंटिंग करना और यहाँ पर क्या है कि जाति की गिनती पहचान को मजबूत या कठोर बनाने की ये मदद भी कर सकती है। अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि वी आर इंडियंस, हमें राज्य के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर, प्रांत के आधार पर, जाति के आधार पर अलग-अलग ग्रुपिंग्स में नहीं रहने चाहिए। ये उसी तरीके के ग्रुपिंग्स में शायद ढकेलने का एक प्रयास हो सकता है। और यही कारण थे कि जो ACCC 2011 के डेटा थे वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाए गए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में हमेशा से जाति जो है वो काफी इमोशनल सब्जेक्ट रहा है और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशंस जो है वो बढ़ सकते हैं, जैसे कि पीपल विथ दलित लास्ट नेम्स आर लेस लाइकली टू बी कॉल्ड फॉर जॉब इंटरव्यूज इवन व्हेन देयर क्वालिफिकेशंस आर बेटर देन दैट ऑफ अपर कास्ट कैंडिडेट्स। ऐसी बातें कई जगह की जाती हैं, या इसका अपोजिट भी किया जाता है कि रिजर्वेशन का गलत फायदा हो रहा है इस, या मेरिट जो है वो दब जा रहा है। रिजर्वेशन बिल्कुल अलग टॉपिक है, उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि उनके जाति के टाइटल वगैरह के आधार पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है। और अगर पूरी की पूरी यहाँ पिक्चर ही आ जाए जाति के आधार पर तो वो काफी डिस्टिंक्ट करने में आसान कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से ये सब थोड़ा क्रूशियल होता है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए। और यहाँ पर सरकारें जो हैं वो नहीं चाह रही हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस हो, लेकिन अगर कहीं की गवर्नमेंट है और वो चाह रही है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होने चाहिए तो उनके पास भी कुछ वैलिड पॉइंट्स होंगे कि क्यों होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से हेल्पफुल होगा इन मैनेजिंग सोशल इक्वालिटी प्रोग्राम्स। इसके वजह से सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के प्रबंधन में ये सहायक होगा। क्यों? बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जो कि अभी भी पिछड़ी हुई हैं, जैसे ओबीसी ही कास्ट एक अगर हम कह लें कि क्लब हो गया, ग्रुप हो गया, तो इसमें सारी की सारी जो भी कास्ट आते हैं वो एक बराबर उनका उत्थान नहीं हुआ है। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनका अभी सामाजिक उत्थान उस स्तर पर नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। ओके, तो अगर इस तरीके का हमारे पास फैक्ट और फिगर आ जाएगा तो हम चीजों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और इसके आधार पर हम एक बेहतर आउटकम तैयार कर सकते हैं, उनके हिसाब से टारगेट करके पॉलिसीज का निर्धारण भी हम कर सकते हैं। तो इंडिया की जो सोशल इक्वालिटी प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल नहीं हो सकती है जब तक कि हमारे पास डेटा ना हो और कास्ट सेंसस जो है वो एक बहुत मददगार इसमें मील का पत्थर साबित हो सकता है। डेटा के कमी के वजह से कोई प्रॉपर एस्टिमेट नहीं बनाया जा पाता है पॉपुलेशन ऑफ ओबीसीज को लेके, या ग्रुप्स जो कि आते हैं ओबीसी के विदिन। मंडल कमीशन जो कि एक इंपॉर्टेंट कमीशन रहा है 90s के दौर का, और उसके एस्टिमेट के हिसाब से यहाँ पर 52% होना चाहिए। ठीक है कि ओबीसी पॉपुलेशन इंडिया में करीब 52% है, जबकि ओबीसी पॉपुलेशन का रिजर्वेशन जो है वो इससे कम है, इस तरीके की बात की गई है। अलग अलग जगहों पर कहीं 36%, कहीं 65% तक बताया गया है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पर सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए, इस बात के लिए भी रिजर्वेशन का ये सॉरी सेंसस का होना जरूरी है। जनगणना ओबीसी आबादी के आकार के बारे में अनावश्यक रहस्य को सुलझाने के अलावा जनसांख्यिकी जानकारी जैसे कि लिंग अनुपात, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, इन चीजों पर विशेष फोकस करता है। जैसे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जियो पारसी स्कीम, यानी कि वो पारसी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं और वहां पर उन पारसी कम्युनिटी के लोगों के
लिए मतलब हेल्थ केयर वगैरह का जो भी सरकार उसमें मदद करती है। वैसे ही हो सकता है कि कुछ कास्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो संज्ञान में नहीं आ रहे हैं और उन्हें लाइट में आना जरूरी है ताकि उस स्पेसिफिक कास्ट का उस कम्युनिटी का थोड़ा बरकत हो सके। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अ कास्ट बेस्ड सेंसस कुड गो अ लॉन्ग वे इन ब्रिंगिंग अ मेजर ऑब्जेक्टिविटी टू द डिबेट ऑफ रिजर्वेशन। तो यहाँ पर एक ये बहुत अच्छा कह सकते हैं कि निष्पक्षता का एक उपाय हो सकता है। इवन जो रोहिणी कमीशन सेटअप की गई थी और उसमें यहाँ पर बात की गई थी कि किस तरीके से 27% जो कोटा है रिजर्वेशन का उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया था सही ढंग से, उस पर बात पूर्ण रूप से नहीं रखी जा पाई थी बिकॉज हमारे पास सब कास्ट के डेटा वगैरह नहीं थे। और यहाँ इवन मतलब कि ओबीसी कम्युनिटी में एक्सट्रीम बैकवर्ड या मार्जिनलाइज सेक्शन का अलग से डिमार्केशन हर राज्य में नहीं हुआ है जिस तरीके का होना चाहिए, उस हिसाब से भी ये सेंसस का होना जरूरी प्रतीत होता है सामाजिक न्याय के लिए और समावेशी विकास के लिए, ताकि अच्छे से हम समावेशी विकास कर सके, सभी के साथ कह लें कि मतलब कि न्याय हो सके इसके लिए जरूरी है। और यहाँ पर इस रेलेवेंट डेटा का यूज किया जा सकता है प्रॉपर वे में, चैनलाइज्ड मैनर में। तो यहाँ पर यही सारे कुछ पहलू हैं जिसके वजह से हम देखते हैं कि दोनों तरीके की बातें की जाती हैं, कुछ कह सकते हैं कि प्रो और कुछ कॉन। तो आप भी दोनों तरीके के पहलुओं को रख सकते हैं, लेकिन आपके पास जो इम्पोर्टेंस है कास्ट बेस्ड का उसमें आप बता सकते हैं इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन के लिए, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको इनमुरेट करने के लिए भी ये जरूरी है, और कह सकते हैं कि जो कास्ट की रिजिडिटी है इसको हटाने के लिए भी जरूरी है। होता क्या है कि कई बार हम लोग कास्ट वगैरह के टॉपिक्स पर इसलिए डिस्कशन करने से बचते हैं क्योंकि ये डिस्कशन जो है कई बार आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर समाज में कुरूति है, जाति के आधार पर कुरूति है, तो अगर हम शुतुरमुर्ग बन जाए और समस्या से छुटकारा पाने के लिए अगर रेत में सर ढक ले तो उसे समस्या खत्म नहीं हो जाती है, उस पर खुल के बात होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत जरूरी है इस तरीके से सेंसस का होना ताकि ये रिमूव कर सके कास्ट के रिजिडिटी को। कैसे? तो यहां पर हम देखते हैं कि जो कास्ट सेंसस होगा वो मदद करेगा डिस्पेल करने में जो इल्यूजन है रिगार्डिंग कास्ट इलिटिज्म, कि किसी कास्ट को इलीट क्लास बताया जाता है, इलीट कास्ट बताया जाता है, या किसी को बताया जा रहा है कि नहीं ये इलीट क्लास नहीं है, ये इलीट कास्ट नहीं है, ये सब कुछ दूर हो सकेगा। और इसके आधार पर जो डिसएडवांटेज्ड है, जो डेस्टिच्यूट है, जिनको सही मामले में बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल सके। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे का बेनिफिट दूसरे को मिल जा रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी तो ला रही है लेकिन सही लोग इसे टारगेटेड नहीं हो पा रहे हैं। पॉलिसी मेकिंग के लिए सही डेटा आ जाएगा हमारे पास, और जुडिशियल सपोर्ट जो है उसके लिए भी ये जरूरी है। ठीक है, इस हिसाब से जरूरी है। आपके पास काउंटर आर्गुमेंट्स बहुत हो सकते हैं कि ये एक तरीके से असर्टिवनेस को राइज करेगा, सोशल कन्फ्लिक्ट बढ़ सकती है, सोसाइटी में इम्बैलेंस आ सकता है, और जो 50% रिजर्वेशन जिसकी बात बहुत बार की जा चुकी है उसका भी कहीं ना कहीं ये ब्रीच हो सकता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या कहना है? तो गवर्नमेंट का मानना है कि ये जो डेटा है वो बहुत ज्यादा आइडियल नहीं इंस्ट्रूमेंट हो सकता है और ये यूजफुल डेटा नहीं है, और कह सकते हैं कि ये अनयूजेबल है, उसका हम सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं। डेटा आपने सही ढंग से कलेक्ट नहीं किया, ये भी तो एक बात हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर सरकार के तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी की बात की गई, प्रशासनिक स्तर पर चुनौती की बात की गई, और ये भी कहा गया कि ये एक गुड पॉलिसी टूल नहीं है। हो सकता है ऐसा, लेकिन देखिए अगर आप एक रेशनल वे में सोचे, जैसे कहा जाता है कि ह्यूमन जो है वो एक रेशनल एनिमल है, आप चीजों को देखते हैं, उसके दोनों पहलुओं को देखते हैं, समझते हैं, इसके बाद आप अपना आकलन करते हैं कि ये जो चीज है कितना सही है कितना गलत है,
और अगर आप आंसर भी लिखते हैं तो आप सेंसस का मतलब समझा दीजिए, कास्ट बेस्ड सेंसस क्या होता है, एससीसीसी क्या है, ये सब कुछ जब आप बता सकते हैं तो इसके बाद नौबत आता है कि आप उसके प्रोज और कॉन्स को बताएं, गवर्नमेंट का पॉइंट बताएं, और फिर अंत में आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं और एक बेहतर कंक्लूजन लिखना इस तरीके के आंसर में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, और ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर डिबेट है या इंडिया में ही ऐसा हो रहा है। ईवेस वगैरह में भी रेस के आधार पर सेंसस होता है कि जो व्हाइट्स हैं उनका कितना डेवलपमेंट हुआ, जो कलर्ड लोग हैं उनका कितना डेवलपमेंट है, इस वजह से वहां भी हो रहा है। तो हमारे पास जो कह लें कि सोसाइटी में डिफरेंसेस है कास्ट के बेसिस पर है, तो उनका सही आकलन होना जरूरी है। इसके लिए हम बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। अब तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 आ गया है, हम किसी भी तरीके के डेटा को किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये कहना कि जो डेटा है वो यूजफुल नहीं है, ये कहीं ना कहीं सही प्रतीत नहीं होती है। और सेंसस का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पर स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिस तरीके से ये हो सकता है, तो सारे जो भी पंत हैं, जो भी सब कास्ट हैं, ये सब अच्छे से कलेक्ट हो सकते हैं। कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि एक ही कास्ट का अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से स्पेलिंग है या उनका उच्चारण है, और इस वजह से हम देखते हैं कि कास्ट जो है ना फर्दर बहुत ज्यादा बढ़ते गए हैं। इवन मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हूँ और मेरा काम है कि मैं लोगों के लिए आय जाति प्रमाण पत्र और ये सब रेसिडेंशियल प्रूफ बनाता हूँ, ओबीसी सर्टिफिकेट इशू करता हूँ, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशू करता हूँ, जारी करता हूँ। तो उसमें एक लंबी लिस्ट होती है, हर कास्ट के अंदर सब कास्ट होते हैं, और अगर आप एक बार उसे देखना शुरू करें तो आप उसी में घूमते घूमते रह जाएंगे। या इवन जो भी लोगों के खतियान है, यानी कि जो लैंड के ओरिजिनल रिकॉर्ड्स है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जिसे पता चलता है, उसमें भी एक कॉलम कास्ट का है। यानी जाति जो है वो एक हमारी सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट रहा है, और उसको इग्नोर करके किसी भी तरीके का पॉलिसी मेकिंग एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से स्टेप लिया जा रहा है उसके कुछ अपने फायदे हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर डेटा जो है उसका स्टडी सही ढंग से हो, डेटा का इंटरप्रिटेशन सही होना बेहद जरूरी है। ओके, तो इसी तरीके की बातों के साथ आप एक कंस्ट्रक्टिव नोट पर कास्ट बेस्ड सेंसस वाले टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप जो है एक आंसर तैयार करिए, और आंसर तैयार करके आप मुझे टेलीग्राम पर भेज दीजिए, ताकि मैं आपके आंसर को पढ़ के बता सकूं कि हाँ, ये कितना सही जा रहा है, आपका तैयारी किस लेवल पर चल रहा है, कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो फिर हम आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।